पहले शंका प्रणाम गुरुदेव ज्ञानी योगी अंतर दशा के बारे में समझाइए। ज्ञानियों के अंतर तप के बारे में समझाइए। मीता इमानी मुंबई। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतरदशा वे ही समझ सकते हैं जिन्हें स्वयं को निर्विकल्प अनुभूति हुई हो, क्योंकि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में पांच इंद्रिया तो दूर, आठ पंखुड़ी वाला द्रव्य मन भी निमित्त नहीं है। ऐसी जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति कि जहां कोई परद्रव्य बीच में नहीं आता, पर्दा नहीं बनता, यहां तक कि मिथ्यात्व का पर्दा दूर हुआ तब स्वरूप का दर्शन हुआ, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति को वाणी के द्वारा कैसे व्यक्त किया जा सकता है। वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा यह भगवान आत्मा का स्वरूप है यह कहकर भी वाणी से इतना तो व्यक्त कर दिया कि आत्मा का अनुभव वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता। अनंत गुणाधिपति चैतन्य को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि वह वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता तो फिर उसे कानों के द्वारे उसे सुना भी जा सकता। जैसे कान के माध्यम से आत्मा को सुना नहीं जाता, ऐसे ही मुख के द्वारा आत्मा को कहा नहीं जाता। ये आत्मा को कहने की ये चेष्टा ही झूठी चेष्टा है, इसलिए ज्ञानियों ने व्यवहार को झूठा कहा, क्योंकि ये उपदेश ये व्यवहार है और व्यवहार झूठा है, क्योंकि सत्य को वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। जैसे मिथ्या दृष्टि सिद्ध परमात्मा के बारे में कुछ कहना चाहे, कुछ व्यक्त करना चाहे, तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध भगवान के बारे में क्या व्यक्त करेगा। तुम सीधी सी बात यह समझते हो कि जिसने स्वयं को ही नहीं जाना वह कैसे व्यक्त कर सकेगा कि सिद्ध परमात्मा कैसे है। तो ये जो भाषा वर्गना है, ये जो आवाज है, ये ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि है, भले ही वह दिव्य ध्वनि हो फिर भी वह पुद्गल ही है। इसलिए ये सुन सुन कर अंतर में ऐसी प्यास बढ़े कि यह सुनना भी बहुत हुआ, यह जानना भी बहुत हुआ। यहां जो ये जिज्ञासा हुई है कि ज्ञानियों की अंतर दशा के बारे में, ये सिर्फ इसके लिए
कि सत्ता स्वरूप द्रव्य यहां भी ऐसा ही है और यहां जो चैतन्य सत्ता भले ही उपयोग में नहीं आई मगर एक संभावना है कि उपयोग में आ सकती है। किसी भी प्रकार के बैर विरोध के बिना सहज रूप से यह चैतन्य सत्ता ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होती है। किसी भी प्रकार की चेष्टा से नहीं, सत्ता है तो उपयोग में आएगी। इसलिए ज्ञानियों की दशा के बारे में पूछ लेना इसके लिए नहीं कि ज्ञानियों की दशा को जानकर तुम्हें ज्ञानी जैसी दशा प्रकट होगी, बल्कि इसलिए कि ज्ञानी की दशा को जानकर यह जिज्ञासा, यह पिपासा कि मैं भी ऐसा अनंत शक्तिशाली हूं तो यहां पर ऐसी अनुभूति क्यों घटित नहीं होती। निराशा से बचने के लिए ये ज्ञानियों की दशा भी जानना। सत्ता स्वरूप वस्तु है तो कभी उपयोग में भी आ सकती है। सिर्फ इतना भी विचार आता जैसे पुद्गल पदार्थों का हमें विचार आता, जैसे घर में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें से ज्यादातर पदार्थ ऐसे हैं जो उपयोग में नहीं आते, पड़े हैं ऐसे ही। जैसे हमारे मोबाइल फोन में भी ऐसी एप्लीकेशंस है, ऐसा डाटा है कि जिस डेटे में कुछ भी लेना देना नहीं है, पड़ा है ऐसा डेटा, मगर जब डिलीट करने की बात आती है कि नहीं, एक ही बात आती है, कभी काम में आएगा, कभी उपयोग में आएगा, रहने दो। ऐसे ही घर में भी कोई परिग्रह है, निकालने की बात आती है कि कभी उपयोग में आएगा, है ना, होगा तो उपयोग में आएगा। ये बात समझने जैसी है। ये जो भाव है होगा तो उपयोग में आएगा, इसलिए शिष्य की यह जिज्ञासा कि ज्ञानियों को जो भगवान आत्मा अनुभव में आता है, जानने में आता है, ये जानकर मैं क्या करूं कि यहां भी सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है तो उपयोग में आएगा। इसलिए सत्ता का निर्णय करने के लिए, अनुभूति की यात्रा के लिए ये जानना, ये जिज्ञासा होना ये स्वाभाविक है कि ज्ञानियों की अंतरदशा कैसी होती है। साथ ही इन्होंने ये पूछा कि ज्ञानियों के अंतर तप के बारे में समझाइए। ये दोनों प्रकार की जिज्ञासा अंतरदशा के बारे में ही है। कल रात्रि में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी इस संबंध में, और कुछ बातें ऐसी थी जो बतानी थी, समय कम पड़ा इसलिए सोचा आज यही शंका ले लेते हैं ज्ञानियों के अंतर तप के बारे में, ज्ञानियों की अंतर दशा के बारे में। जैसा कहा कि चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में भी उत्तम तप धर्म के धारी है, ये क्रियाकांडियों को, अज्ञानियों को ये समझ में नहीं आ सकता कि बाहर की क्रिया उनकी ऐसी है और भीतर में अंतरंग परिणति ऐसी निर्मल है। जब शरीर की क्रिया, जब वाणी, जब मन के विकल्प ये बाहर की ओर जाते हो, बाहर की ओर फैलते हो, जैसे वस्तु को लेने के लिए, भोजन को लेने के लिए हाथ बाहर की ओर फैला, या फिर ये वाणी जो बाहर की ओर गई, या फिर ये जो विकल्प विकल्प भी बाहर की ओर गए,
इस यात्रा से न्यारी स्वयं की यात्रा का ज्ञानी दर्शन करते हैं। वो अंतरंग दशा ऐसे दोनों की दिशा ही न्यारी न्यारी विपरीत दिखाई देती है। ये जड़ के परिणाम है। विकल्पों के काल में ऐसा प्रवाह, ये भाव आया गया आया गया आया गया। इन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में, आने और जाने के काल में एक समय के लिए भी जहां आना जाना नहीं, यह भाव आया और यह भाव गया, ऐसे ज्ञान के परिणमन पर भी रुचि नहीं। ज्ञान का परिणमन ही ज्ञान को जानने रूप परिणमित हो रहा है, और परिणमन में यह विकल्प ही नहीं है कि मैं परिणमित हो रहा हूं। उस ज्ञान के परिणमन में यह विकल्प नहीं है कि मैं परिणमित हो रहा हूं। जगत के पदार्थों का तो विकल्प नहीं, मगर इस ज्ञान के निर्मल परिणमन में मैं परिणमित हो रहा हूं ऐसा विकल्प ही नहीं। और ध्रुव जो चैतन्य सत्ता, उस सत्ता पर ही जोर, वहां का विकल्प ही नहीं। दृष्टि का जो जोर है वो सत्ता पर, इसलिए जो भी वस्तु को उठाते हैं कि यहां एक फोन है और फोन को उठाया, तो उठाने के लिए ये जो अभी उंगली की स्थिति ऐसी है, और जैसे ही उस फोन को उठाने के लिए उंगली को ऐसा हिलाया, तो जिस समय वो फोन पकड़ में आता है, उस पकड़ने की क्रिया जो हो रही है, उस क्रिया के काल में हाथ की जो क्रिया है, उस क्रिया का तो विकल्प ही नहीं। वो फोन, वो ऐसा जिसको पकड़ने में आ रहा है, वो जो उस पर ही ऐसा जो वो परिणमन जहां हो रहा है, कार्य जहां हो रहा है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं, उसकी रुचि भी नहीं, और कार्य वहां होगा ऐसा। इसलिए द्रव्य के जोर से जब ये ज्ञान का परिणमन होता है, ज्ञान के परिणमन में ज्ञायक चैतन्य परमात्मा जानने में आता है, तब वो ज्ञान का जो परिणमन, वो ज्ञान की जो दशा, वो जो दशा है, वो अगर वो दशा कैसी है, वो दशा द्रव्य को जानने वाली दशा है। अंतर दशा ये कान, अंतर दशा का मतलब ये है, अंतर दशा का अर्थ है कि जो ज्ञान की पर्याय चैतन्य तत्व जो अंतर में, जिस ज्ञान की पर्याय ने चैतन्य तत्व को जाना, उस ज्ञान की पर्याय का नाम अंतर दशा है। वो ज्ञान का ही परिणमन है। वो ज्ञान का जो जानना 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 ऐसा जो परिणमन है, वह परिणमन दशा है, मगर वो दशा चैतन्य को जानने रूप परिणमित हो रही है, वो अंतर दशा है ऐसा। ये अंतर दशा का भाव भगवान पहली बार, ये अंतर दशा का भाव, और अब ये बात कि ये अंतर दशा को समझाइए। अब समझाइए कैसे, कि समझाना वाणी से ऐसा, ये समझाना वाणी से। अब समझाना है वाणी से है ऐसा, ये स्वरूप है। इसलिए समझने वाला समझता है, ये सब समझने वाला समझता है ऐसा। तो वाणी से बताओ, वाणी से समझाओ कि ये अंतर दशा कैसी है। तो वाणी ये तो जड़ की क्रिया, मगर ये वाणी बोलने का जो विकल्प आता है, समझाने का विकल्प, उस विकल्प ने जाना है। वो विकल्प ज्ञान के उस परिणमन को नहीं जानता, वो विकल्प ज्ञान के उस परिणमन को नहीं जानता,
जो ज्ञान का परिणमन त्रिकाली को जानता है। ज्ञान का परिणमन माने दशा, त्रिकाली माने अंतर। अंतर को जानने वाला ज्ञान का परिणमन, उस ज्ञान के परिणमन को ये जो विकल्प उत्पन्न होता है वो विकल्प नहीं जानता। विकल्प क्यों नहीं जानता? वो कमजोर है, वो कमजोर नहीं है, वो विकल्प परिपूर्ण है। इसलिए क्योंकि जैसे पुद्गल पदार्थ आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए पुद्गल पदार्थ कमजोर नहीं है, अनंत शक्तिशाली है। मगर उसका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। ऐसा आत्मा है वो जड़ रूप परिणमित नहीं होता, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हो जाता, ये कमजोरी है आत्मा। ये आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ये शक्ति है। ऐसे ही विकल्प ऐसा शक्तिशाली है कि अपने जड़ स्वभाव को छोड़कर के चेतन रूप परिणमित नहीं होता। विकल्प यदि कमजोर होता ना तो कभी पलट जाता, चेतन हो जाता। मगर वो इतना दृढ़ जड़ रूप में ऐसा दृढ़ है कि वो ज्ञान के परिणमन को जानता ही नहीं। और ज्ञान के परिणमन को नहीं जानता ऐसा नहीं, वो विकल्प है, वो विकल्प को भी नहीं जानता, तो फिर ये अपेक्षा कैसे हो कि वो ज्ञान को जाने। इसलिए ज्ञानी की वो दशा समझ में आती है। वो ज्ञानी की दशा ये इस प्रकार से मोहर से समझ में नहीं आती कि ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, ऐसी ये दशा समझ में ऐसे नहीं आती। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की पहचान कर सकते हैं, उसका भाव ये चेहरा देख करके नहीं, वाणी से भी वो सिर्फ अनुमान ही लग सकता है, प्रत्यक्ष तो देखा ही नहीं जा सकता। ये बात समझने जैसे केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ। जैसा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी बोलते हैं ऐसा ही ऐसा कोई भी मिथ्या दृष्टि बोल सकता है। और जो वाणी को सुनकर के ही निर्णय ले ले तो उन्हें भ्रम होगा कि वो मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है। इसलिए कोई भी सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि की ये पहचान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि जो स्वयं को अनुभूति हुई ऐसी अनुभूति जिसे भी हुई वो सम्यक दृष्टि। इसलिए गुरु व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती, गुरु तत्व की श्रद्धा होती है। सम्यक दर्शन का मतलब ये है गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व। और तत्व की श्रद्धा है क्योंकि यहां वो तत्व अनुभव में आया है। दूसरा पराया तो अनुभव में आ ही नहीं सकता। इसलिए कहा था आपका आत्मा, आपका आत्मा, आपका आत्मा, वो मेरे अनुभव में नहीं आ सकता। भले ही आत्मा है, केवल ही भगवान को लोकालोक जानने में आता है, मगर लोकालोक में जो अनंत जीव है उनका अनुभव नहीं होता। अनुभव तो निज आत्मा का होता है, और निज आत्मा के अनुभव के बल पर ये तत्व की श्रद्धा होती है। ऐसा यदि सामने वो है और श्रद्धा में आए तो कभी श्रद्धा ही न हो। मुनिराजों को, भावलिंगी संत को फिर सिद्ध की श्रद्धा कैसे होगी कि सामने जो होंगे ज्ञानी उनकी ही श्रद्धा हो, तो कभी श्रद्धा ही नहीं होगी। क्योंकि मुनि होते हैं मध्य लोक में और सिद्धों की श्रद्धा करनी तो सिद्ध है ऊर्ध्व लोक में। सिद्ध कभी यहां आते नहीं और मुनि सिद्ध शिला पर जाते नहीं। मगर मुनि ने जो सिद्ध स्वरूप अनुभव में आया है वहां, वो अनुभव में आया कि सिद्ध की श्रद्धा हुई, वो मोक्ष तत्व की श्रद्धा हुई। सिद्ध माने मोक्ष तत्व। ऐसा ये ज्ञानियों की अंतर दशा है। ज्ञानियों के अंतर तप के बारे में समझाइए। चौक जाओगे ज्ञानियों के अंतर तप के बारे में सुनकर। कितना कितना त्याग करने वाले तपस्वी ऐसे ज्ञानी, ये बात ही मुझे झूठी लगती है। जब कोई कहता है ज्ञानी तपस्वी है, त्यागी है, ये ठीक नहीं है।
उपभोग ही तप है। उपभोग, भोग और उपभोग की चर्चा की थी, जिसे एक बार भोग सके वो भोग और जिसे बार बार भोग सके वो उपभोग। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, कुर्सी को बार बार भोगोगे तो कितना, 2 साल 5 साल, और उसमें भी बार बार भोगते ही नहीं, क्योंकि उसमें नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु जाते हैं, तो उस कुर्सी को तो भोगा नहीं। असल में तो उपभोग एक का ही हो सकता है, वो जो सत्ता स्वरूप चैतन्य पहली पर्याय में भी भोगा, फिर उसी को दूसरी पर्याय में भोगा, उसी को तीसरी पर्याय में भोगा। ये जो प्रत्येक पर्याय में चैतन्य परमात्मा का उपभोग हो रहा है, ये उपभोग ही ज्ञानी की तपश्चर्या है, ये ज्ञानी की अंतरदशा है। त्यागी है वे ज्ञानी नहीं, भोगी है वे ज्ञानी, भोगी है वे ज्ञानी है और त्यागी है वे अज्ञानी। क्योंकि चैतन्य परमात्मा के भोग का त्याग करके बैठे हैं ऐसे अज्ञानी, वो त्यागी है। और छोटी बड़ी चीजों को त्यागना ये त्यागना है, अज्ञानी से बड़ा त्यागी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि धन को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, उसका त्याग किया, मगर ये तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का त्यागी, इससे बड़ा त्यागी दूसरा कौन? और जो भोगता है वो तो रसगुल्ला है, उसको भोगता है, पकवान को भोगता है, वो भोगी भोगी है। चैतन्य तत्व को भोगने वाला भोगी, ये उपभोग ही तप है, ये ज्ञानी का अंतर तप, अंतर तप में। इसलिए सम्यक दर्शन जब प्रकट होता, सम्यक दृष्टि ज्ञानी चैतन्य तत्व की अनुभूति के बल पर ऐसी दशा प्रकट होती है कि इस जीवन का मूल्य ही नहीं रहता। उसका भाव थोड़ा समझ, इस जीवन का मूल्य नहीं रहता, ये जो मनुष्य जीवन मिला ना, उसका फिर मूल्य नहीं रहता। परम कृपानुदेव ने कहा, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नौ मळ्यो। ये मानव का देह मिला पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से मिला, मगर उसकी महिमा ज्ञानियों को नहीं होती। उसका कारण और उसके पीछे और कारण, सम्यक दर्शन होते ही मनुष्य जीवन की महिमा नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई, मनुष्य जीवन का अंत है। इतना तो बोध हो गया, मैं कहां से यहां आया मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, और कहां जाओगे ये भी नहीं पता, मगर सभी को इतना तो पक्का पता है कि हम पहले से यहां नहीं थे, नए आए हैं यहां, और हम यहां हमेशा नहीं रहेंगे, जाने ही वाले यहां से, इतना तो सबको पता है। और ज्ञानी की वो दशा कि यहां आए और यहां से जाना, ये मनुष्य भव उसकी महिमा नहीं रहती। उसका कारण इतना है, क्योंकि जो अनादि अनंत ऐसा जो चैतन्य जीवन, चैतन्य जीवन का दर्शन होने के बाद वो जो टुकड़ा है मनुष्य भव का, वो टुकड़ा, उस टुकड़े की महिमा आए कैसे? माने वो टुकड़े में वे अटकते नहीं है, वो मनुष्य जीवन का टुकड़ा। और जैसे मनुष्य जीवन की महिमा नहीं रही, फिर मनुष्य जीवन में जो मिला है उसकी भी महिमा नहीं रहती। इसके फल में वे मुनि धर्म अंगीकार करते, फिर वो मनुष्य जीवन में घर मिला, गाड़ी मिली, पैसा मिला, जब ये जीवन का ही मूल्य नहीं, तो जीवन में मिले हुए माँ बाप और रिश्तेदार उनका फिर क्या मूल्य, जब इस जीवन का मूल्य नहीं। परिग्रह से अपरिग्रही होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी, इसलिए तो चैतन्य की अनुभूति के बिना अपरिग्रही नहीं हो सकते, क्योंकि विराट जीवन की अनुभूति के बिना टुकड़ा वाला जीवन, उसकी महिमा नहीं छूट सकती,
और जब तक टुकड़े वाला जीवन उसकी महिमा न छूटे, उस टुकड़े में जितने भी फैले हुए संजोग है उसकी महिमा नहीं छूट सकती, क्योंकि उसने इसके अलावा देखा ही नहीं, इस जीवन के अलावा देखा नहीं, इसलिए इस जीवन में जो मिले हैं उनके अलावा कुछ देखा नहीं। और जिसने विराट चैतन्य जीवन को देखा उनकी दशा न्यारी है, क्योंकि जिसने त्रिकाली चैतन्य को देखा अब ये रिश्तेदारों की महिमा न रही, अहोभाव आएगा, अहोभाव आएगा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का, मगर व्यवहार होगा कि नहीं, व्यवहार भी होगा, किसका? रिश्तेदारों का नहीं, त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती समस्त सिद्ध परमात्मा होगा, ऐसा ये त्रिकालवर्ती, वो भक्ति करेगा, 24 तीर्थंकर की पूजा करेगा, त्रिकालवर्ती, वो 720 तीर्थंकर की पूजा करेगा, आज 720 का दिन है, सातवां महीना 20 तारीख, त्रिकालवर्ती 720 तीर्थंकर, भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकाल, ये 720 तीर्थंकर की महिमा और सभी क्षेत्रों के उसकी हिस्ट्री में मैं पूरे इतिहास में आपको नहीं ले जाता, मगर सिर्फ इतना कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में ज्ञानी का व्यवहार भी होता है, वो व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जो पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, नमो लोये सब त्रिकालवर्ती हरिहंताणं सिद्धाणं, ऐसे सब तो त्रिकाल जीवन की महिमा आई, तो त्रिकाल ऐसे ज्ञानियों के साथ में अब अहोभाव ऐसा उनके प्रति जगता है। ज्ञानियों की अंतरदशा में जो तप होता है वो तप में जलन होती है, शरीर में जब जलन होती है, शरीर में ही जलन नहीं होती, तप के काल में यदि आत्मा में जलन हो, पेट में भोजन नहीं डाला तो जलन होती है, ऐसे ही वो जलन आत्मा में भी होती है। विकल्पों की जलन, राग को आग कहा ना, वो आग की अपेक्षा से कहा कि राग की जलन होती है। पड़ोसी के घर में आग लगी है, उस आग को बुझा देते हैं, अपने घर में आग न आए इसलिए, तो ये देह रूपी पड़ोसन जिसमें भूख की आग लगती है, तो ज्ञानी को दो रोटी डालने का विकल्प आता है, क्यों? क्योंकि वो आग अपने घर में ना आए, वो राग के विकल्प की आग कि भोजन नहीं किया नहीं किया, तो ये तो अभी भोजन नहीं किया ये विकल्प की आग, इसलिए ज्ञानी भोजन कर लेते हैं, मगर ये उपाय नहीं है समझना कि इतने विकल्प होते, वो विकल्प को टालने के लिए भोजन कर लिया, विकल्प को टालने के लिए भोजन कर लिया, यह उपाय नहीं है। यदि इसे उपाय समझा तो इसका मतलब यह कि विकल्प की पूर्ति हो जाए तो बस तुम्हारा काम हो गया। विकल्प की पूर्ति तो होती है, मगर जब पेट में जलन नहीं है, रोटी डाली, मगर रोटी खाने के विकल्प की जलन तो है अभी, भोजन करने के विकल्प के वो राग की जलन, और राग की जलन उस समय ये जागृति की, ये राग जो उत्पन्न हुआ, ये राग की आग लगी है, वो ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञान जलता नहीं है, और ज्ञान ज्योति में ये राग की अग्नि मिली नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान। आग आग में अंतर है, ऐसा ये राग भी आग है और ज्ञान दीपक की ज्योति भी आग है, मगर दोनों में अंतर है। एक आग जलती हो तो उस आग में तुम कैसे करते हो, अरे दीपक प्रज्वलित हुआ, दीपक, दीपक से तो आरती उतारते हैं, तो थोड़ी आरती कल शाम को उतार देते, ज्योति तो जल रही थी ना इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में, थोड़ी आरती उतारते, ओम जय जय, वहां तो रेत लेकर के आग बुझाने जाते, तो आग आग में फर्क है कि नहीं,
एक आग है वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगे और आग हो, और एक दिए की जलने की, तो वो जो ज्ञान दीपक के प्रज्वलन से वो ज्ञान की ज्योति, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी का झटका वो है राग की आग, उसे तो जल्दी बुझा। और पानी से नहीं, रेत से, उसकी भी प्रक्रिया है। राग की आग पेट में रोटी डालने से नहीं बुझती, उसमें तो झटका ज्यादा लगता है। उसकी प्रक्रिया है कि स्वरूप का आश्रय लेने से कि ये जो राग की आग रोटी पेट में जाती है उस समय ये विकल्प भी है, और विकल्प के काल में ज्ञानी की सहज दशा, अज्ञानी को ये तत्व विचार उस समय भी, ये ज्ञान अपना कार्य करता ही रहता है, करता ही रहता है, उसका कार्य रुकता नहीं है। करता रहता है माने तुम्हारी भाषा करता रहता है, बाकी तो होता ही रहता है। अंतर तप, शरीर जलता है राग की आग से, आत्मा जलता है फिर भी चैतन्य स्वभाव नहीं जलता, ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को सहज होता है, ये ज्ञानी का तप है। भोजन करते हुए भी एक तप, चक्रवर्ती उत्तम तप के धारी, और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को तप नहीं। वर्षी तप करने वाले को वर्षी तप नहीं, अक्षय तृतीया के दिन जो पारना करते हैं वो तप तप नहीं, कि तप पूरा हो गया, तप सफल हो गया। वास्तव में क्या होता है, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है उस समय पारना होता है। पारण करे ने जे उपवास पछी दो, अने एक दिवस नो भूख्यो, एक दिन का भूखा हो और फिर भोजन करे तो पारना, और दो दिन, आठ दिन की अट्ठाई, और एक साल तक भूखा रहा हो और फिर पारना हो तो कैसा, कितने लोग आएंगे, कैसा आनंद होगा कि एक साल का भूखा था पारना कर रहा है। और सम्यक दर्शन क्या है, अनंत काल का भूखा था, चैतन्य रस को नहीं चखा था, ऐसा ही भूखा भूखा भूखा, और चैतन्य रस से पारणा हुआ वो तप हो गया। भूखा रहना उसका नाम तप नहीं है, पारणा करने का नाम तप है, ये ज्ञानी का अंतर तप, पारणा करने का नाम। और पारणा कब होता है, अक्षय तृतीया के दिन होता है ना, सच है अक्षय तृतीया के दिन ही होता है, कि जिसका क्षय नहीं है ऐसा अक्षय चैतन्य परमात्मा, वो चैतन्य 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 के लिए मुझे तृतीया याद आता है, क्योंकि चैतन्य का एबीसीडी में होता है सी, सी है वो तीसरा अक्षर है माने तृतीया, अक्षय तृतीया माने अक्षय चैतन्य, अक्षय तृतीया, ये अक्षय तृतीया का पारणा, ये ज्ञानी का अंतर्तम। भूखा रहना ये तप नहीं, ये तो दमन है, संयम नहीं है, मिथ्या दृष्टि की ये बात। खा लो थोड़ा खा लो, आज शाम को भोजन नहीं करना, एकासन है, अब तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ज्यादा खाना खा लिया, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं चिंता मत करो एक गोली ले लो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेट इतना भरा है। कहता है डॉक्टर को, अरे डॉक्टर साहब एक गोली की जगह होती तो उतना थोड़ा और नहीं खा लेता, गोली की भी जगह का आया, इतना खा करके बैठा हूं, उत्तम तप का धारी है, शाम को भोजन नहीं करेगा। ज्ञानी का अंतर तप ऐसा नहीं, तप तो उसे कहते हैं जहां राग ज्ञान में मिला नहीं ऐसा चैतन्य मैं, और प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ऐसा चैतन्य मैं, ऐसा जब जाना तो फिर एक भाव मिट गया, ये भाव मिट गया कि चैतन्य की सत्ता में तो कोई विकल्प प्रवेश नहीं करता, तो प्रत्येक चैतन्य सत्ता जलती ज्योति तुम्हें ऐसी दिखेगी, सिर्फ जलती ज्योति हो ऐसा दिखाई देगी,
सिर्फ जलती ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति ही दिखाई दे और कुछ भी न दिखाई दे, तब ज्ञानी को वो सिद्धों का मेला दिखता है, क्योंकि चैतन्य ज्योति, ऐसी चैतन्य ज्योति, फिर वो सभी में सिद्ध परमात्मा दिखा, फिर छोटा बड़ा का भेद नहीं रहता। और अज्ञानी की क्या हालत है, अज्ञानी तप करता है और तप करने के बाद में मान करता है छोटे बड़े का, मैंने किया उसने नहीं किया, इसलिए 12 प्रकार के तप में ये जो अनशन है ना, उसमें कि तप करने के बाद वो रसनेन्द्रिय के विषय को तो छोड़ दिया क्रिया से, मगर छोड़ करके मान का पोषण हुआ, इसलिए तप मद कहा कि जो तप मान को छोड़ने के लिए था उस तप को ही इसने मान का आधार बना लिया। इसलिए कोई विरले ज्ञानी पहचान सकते हैं, स्वरूप की पहचान कर सकते हैं, स्वयं को पहचानने पर ये जो इनकी जिज्ञासा है अनजान होने की तैयारी, गिरने की संभावना बहुत आएगी, इसलिए खास आपके लिए कहता हूं जब ये तत्व विचार होगा तब गिरने की संभावनाएं बहुत होगी, क्योंकि तुम्हारा विकास हो रहा है, इसलिए गिरने की संभावना कहता हूं। यदि विकास नहीं हुआ होता और नीचे ही होते तो फिर गिरने के लिए नहीं कहता। ये तत्व विचार से यात्रा हो रही है, अनुभूति की यात्रा हो रही है, 4 लब्धि तक पहुंच करके भी नीचे गिरा, अनुभूति से वंचित रहा। हे ज्ञान दीपक, अंतरंग के बारे में जो जानने की जिज्ञासा जगी यही तुम्हारी योग्यता है, स्वरूप के मस्ते में मस्त होने की। तप होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, इसलिए ये कहा कि तप अपनी अपनी शक्ति अनुसार करना, इसलिए ये कहा इच्छा का अभाव तप है, अभाव तप है। मैं तुम्हें खास ये कहूं, इच्छा का अभाव तप है, तप की शुरुआत जब होती है तब इच्छा के अभाव से नहीं होती, इच्छा का अभाव तप है, उसका भाव ये है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में इच्छा है 96,000 रानियों को भोगने की, और फिर भी उत्तम तप है, चौथा गुणस्थान स्वरूपाचरण चारित्र उत्तम तप के धारी सम्यक दृष्टि वितराग परिणति, मुख्य रूप से मुनिराजों और गौण रूप से सम्यक दृष्टि को भी, तो इच्छा तो है 96,000 रानी को भोगने की, फिर भी इच्छा का अभाव कहा, उसका भाव ये कि चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई तब ये सत्य को जाना कि स्वरूप में इच्छा का अभाव है, और ये पहचान लिया उसका नाम तप। वो ज्ञानी को प्रति समय इस जागृति के बल पर तप है कि स्वरूप में इच्छा का अभाव है, उस स्वरूप की जागृति जिस स्वरूप में इच्छा का अभाव, सद्भाव नहीं है, सत्ता नहीं है स्वरूप में इच्छा की, राग की, ये उसका भाव, इच्छा का अभाव।
अंतरदशा परम कृपालु देव ने 38 108 कषायिनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया या आत्मार्थ निवास, यही बात कही कषायिनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद अंतर दया। 108 में अंतर दया, 38 में प्राणी दया। शुरुआत में प्राणी दया से शुरुआत हुई और फिर अंतर दया पर, और वहां का ते कहिए जिज्ञास, वो जिज्ञासु के लिए, यहां आत्मार्थी के लिए। ये जो अंतर की बात है, अंतर जिस दशा में कोई वैर विरोध नहीं, विकल्प के प्रति भी वैर विरोध नहीं, इसलिए तो दो दशा से न्यारी, राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, जीत का भाव भी नहीं और हार का भाव भी नहीं, कठोरता का भाव भी नहीं और कोमलता का भाव भी नहीं। जहां चैतन्य सत्ता की जागृति, ये सभी की समझ में यह नहीं आता। आत्म राम की जागृति, चैतन्य राम की जागृति, राम से मुझे ये स्मरण में आया। राम गांधी जी ने अंत में ये कहा था, हे राम, तुमने श्रद्धा हुई है में भी सुना ना, आत्म राम, वो राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं है। ये राम शब्द बहुत पुराना है, दशरथ हुए उससे पुराना शब्द ये राम शब्द है, और उतना पुराना है ऐसा ही नहीं, वो राम शब्द इतना महिमावान है दशरथ से पहले, तभी तो दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा, क्योंकि वो इतना महान शब्द राम, राम की पुकार, वो इसलिए मुझे अभी स्मरण में आया, जहां वैर नहीं विरोध नहीं जीत नहीं हार नहीं। बालिया भीम जो वाल्मीकि हुए, ऋषि वाल्मीकि, बहुत खतरनाक था आदमी, लोग डरते थे उससे, बालिया भील का नाम सुने कि डरते थे, सब लोग अपने अपने घर में चले जाते थे, ऐसा बालिया भील। और माँ जब बच्चे मस्ती करते मानते नहीं अपनी बात को, तो माँ अपने बच्चों से कहती, बालिया भील को बुलाऊंगी, चल जल्दी से ये काम कर। ऐसा खतरनाक बालिया भील, जिसका नाम सुनकर के सब लोग कांपते थे। अचानक नारद से मुलाकात हो गई, नारद को कहा, क्योंकि आज तक बालिया के सामने दो प्रकार के लोग आए थे, एक तो ऐसे कि बालिया कहे कि लाओ जो तुम्हारे पास है निकालो, और लोग निकाल देते कि हम हार गए, और दूसरे लोग ऐसे कि जो माल निकाल कर नहीं देते मगर तलवार लेकर के फिर लड़ते बालिया के साथ कि हम ना हार मानेंगे। एक हार मानने वाले और एक जीतने वाले कि लाओ हम जीत के दिखाएंगे, ऐसे ये दो प्रकार के लोग मिले थे। मगर जब नारद से मुलाकात हुई तो नारद ने
न तो तलवार खींची न माल निकाल कर दिया। जब कहा कि लाओ जितना भी तुम्हारे पास है निकालो दे दो, नारद ने कहा मेरे पास तो राम है। कौन सा राम? सोने से बना हुआ, चांदी से बना हुआ? ये तो पहली बार नाम सुना मैंने, ये राम नाम का ये धन कौन सा धन है? जल्दी से निकालो। नारद ने कहा मैं तो देने के लिए खड़ा हूं, तुम में ताकत हो तो तुम ले लो, इस धन को लूट लो। मगर वो जो नारद की बात मुझे स्मरण में आई, बस ऐसी दशा जब भी कोई परिस्थिति आए, आओ मैं तुम्हारे सामने जीत कर दिखाता हूं, आओ मैं आपके चरणों में गिर जाता हूं। ये दोनों अज्ञानियों की दशा, और अंतर दशा ये कि किसी भी संयोग में न तो जीत का भाव न हार का भाव, सत्ता की जागृति बस, और वह जीत गया, वो जितेंद्रिय हो गया। जीतने के भाव से जितेंद्रिय नहीं होता, सत्ता की जागृति के बल पर जितेंद्रिय होता है। दूसरी शंका, आपके आत्मिक प्रवचन अत्यंत आनंद देते हैं, आपका मुझ पर उपकार है, मैं ऋणी हूं, आपका आभार आभार आभार। मेरी शंका यह है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब क्या आत्मा गुजराती बोलता है या ऐसा सुनाई देता है कि मैं परमात्मा हूं परमात्मा छू, ये वो गुजराती मां संभाले? कृपया समाधान करना। जिज्ञासा तो हुई, इसमें भी तुम्हें ऐसा लगेगा अरे कैसा कैसा ये प्रश्न पूछते हैं, मगर इसमें भी भाव है। जैसे वो आकाश के बारे में पूछा था कि क्या आत्मा आकाश जैसा है, ऐसे ही क्या ये बोलता है, ऐसा सुनाई देता है? यही तो भीतर की असली पुकार है। उसकी भाषा नहीं होती, सबसे पहले ये गुजराती में बोलता है या हिंदी में बोलता है, अनुभूति की भाषा नहीं। एक घटना मुझे विस्मरण में है, एक महिलाओं का सम्मेलन था कलकत्ता में, पूरे देश से नहीं दुनिया से महिलाओं का मेला भरा था। सम्मेलन में यह था वो भाषा पर कौन सी भाषा सबसे बेहतर, और तभी एक बच्चा रोया और तब पूछा कि एक बच्चा कौन सी भाषा में रोया ये बताओ। रोने की भाषा नहीं होती, हंसने की भाषा नहीं होती, ये तो अज्ञानियों की बात कि जब रोने हंसने की भाषा नहीं होती तो अनुभूति की भाषा कैसे हो सकती है? इसलिए ये कहा देह छता जीनी दशा
वर्ते देहातीत, वर्ते विकल्पातीत और वर्ते वचनातीत, ये तीनों मन वाणी और काया, विकल्पातीत, वचनातीत और देहातीत। यहां तक कि वो वाणी का विकल्प ही यदि रहे, पुद्गल के अनुभव में भी बाधक बनता है। किसी ने भोजन बनाया वेज जयपुरी जैन, और फिर आपको परोसा, आप भोजन करने बैठे और फिर बोले कैसा लगा, कैसा बना, कैसा लगा, अच्छा बना, अच्छा लग रहा, कैसा लगा, सामने वाला कहे खाने दो, ये बंद करो बकवास। ये वाणी जब वो रस लेना हो है? वो वेज जयपुरी का रस लेने में ये वाणी बाधक बन जाती है कि बंद करो ये सब, थोड़ी देर शांति से खाने दो। तो वो जो रस का अनुभव होता है उसमें ये वाणी बंद करो, थोड़ी देर चुप रहना। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि ये दिव्य ध्वनि भी निर्विकल्प अनुभूति में कहीं भी नहीं और उसकी ओर ध्यान भी नहीं। आत्मा की अनुभूति होने के बाद जब वाणी निकलती है, उस वाणी में भाषा होगी, वो फिर गुजराती हो, हिंदी हो, मैंडरिन हो, तगलोग हो, वो भाषा होगी। मगर अनुभूति में तो जैसा मैंने आपको कहा अनजान हो जाता है, जो भी जाना था वो अनजाना हुआ। ऐसी ही अनुभूति यकी आज तक जो जाना था वो पराया जाना था, और पराया जो जाना था उसकी ओर ध्यान जाए तो विकल्प होगा, अनुभूति निर्विकल्प। इसलिए आत्मा की अनुभूति के काल में सिर्फ अनुभव है, अनुभव गोचर मात्र, वचन गोचर नहीं, अनुभव गोचर। बच्चा भूखा है, इतनी भूख लगी है, मां से दूध मांगता है, दूध कौन सी भाषा मांगता है, सिर्फ रोने लगता है, और मां समझ जाती है उस भाषा को। इसलिए भाषा बदलती रहती है, मगर अंतर का एक जो नाद है जिसे अंतर नाद कहा, जो आ वो जो पुकार है, वो दुनिया की किसी भी भाषा हो, ये जो पुकार है वो अंतर की पुकार, वो सभी भाषा में आएगी। फिर वो पूज्य गुरुदेव श्री हो, इसे कहते हैं आह्लाद स्वरूप आनंद। आ वो सिर्फ गुजराती के लिए नहीं है, वो जो भीतर से वो हृदय से जो पुकार निकलती है आ, वो पुकार उसका भाषा से संबंध नहीं है। जैसे ओमकार, ओम ये ओम, ये ओम, ये ओमकार ध्वनि जैसे वो महावीर भगवान की थी और आदिनाथ भगवान की नहीं थी, उस जमाने में नहीं थी, या फिर उत्सर्पिणी काल में नहीं थी और अवसर्पिणी काल में थी, वो ओमकार ध्वनि ऐसे ही जब अंतर से वो व्यक्त हो तब इतना ही कि वो आह्लाद स्वरूप आनंद। मगर वो बोलता नहीं, वो
बोलता नहीं है, इसलिए ये आह्लाद स्वरूप आम है। उसकी ये आह्लाद वो आम है। वो फिर गुजराती में लिखोगे तो अ अन्य साथ पछी कानो करना क्यों, पछी हरण नो ह करना क्यों, आ वो गुजराती हो गया, इंग्लिश में डबल ए कर दिया और एच कर दिया तो आ, ऐसे मत लेना। वो आ वाला वो जो भाषा वाला आ नहीं, और एक बात कि वो जो आह्लाद स्वरूप वो आ, ऐसा जो आह्लाद जो अंतर से निकलता है वो आह्लाद निकलता है मगर वो आह्लाद भी अनुभूति नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल की पर्याय है। आह ये पुद्गल की पर्याय है और अनुभूति तो आत्मा की पर्याय है। जैसे निर्विकल ज्ञान में लीन है, केवल ज्ञान हुआ तो पद्मासन में है या खड़गासन में है तो शरीर की स्थिति ऐसी होगी मगर उस स्थिति का नाम वो शुक्ल ध्यान नहीं, वो हाथ ऐसे रखे वो शुक्ल ध्यान नहीं, वो होता है मगर उसकी निशानी मत मानना। ऐसे ही आह्लाद निकलता है मगर वो आह्लाद को भी अनुभूति का ऐसा नियम मत समझ लेना कि अनुभूति का नियम हो गया, कि वो जो आह्लाद, वो आह्लाद जो निकलेगा ज्ञानी के गुरुदेव के प्रवचन में तुमने सुना हो, वो जो आह्लाद वो रिकॉर्डिंग में हुआ, रिकॉर्ड हुआ है ऑडियो वीडियो में, तो वो स्पीकर में से भी आवाज आती है आ, तो स्पीकर को कोई अनुभव नहीं है, वो आवाज आती है मगर वो आवाज का नाम अनुभूति नहीं है। वरना तो अनुभूति को ज्यादा करना हो तो ज्यादा स्पीकर में लगाओ, दो अनुभूति हो गई, चार अनुभूति हो गई, वो आह्लाद स्वरूप आनंद के साथ वो भीतर में जो अनुभूति का जो आनंद है वो आनंद वो भीतर की दशा है, अनुभूति की दशा है और उसका वाणी के साथ में कोई संबंध नहीं है। फिर भी ऐसे जीवों को मैं प्रामाणिक कहता हूं, ये प्रश्न उन्हें ही हो सकता है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मेरे व्यापार में कुछ परेशानी है उससे बचने के लिए मैं हाथ में काला धागा पहनूं या लाल धागा पहनूं, ये प्रश्न तो नहीं उठाना। इसलिए मैं अनुरोध ना करता हूं ऐसे साधकों की जिन्हें ऐसी शंका तो होती है, अनुभूति का विचार तो आया कि क्या अनुभूति ऐसी होती है, ऐसी होती है, भूल हो रही है तो भूल सुधरेगी, ये भाव तो होगा, इसलिए ये अनुभूति के बारे में शंका। इन्होंने लिखा है प्रवचन सुनता हूं अत्यंत आनंद आता है। अब जरा ये विचार करना, सुनने का आनंद ऐसा है, अनुभूति का आनंद कैसा, और अनुभूति के आनंद से पहले इस आनंद को रख करके यदि अनुभूति का आनंद लेना चाहो तो नहीं हो सकता। ये जो सुनने का आनंद आ रहा है उसमें भी तुम्हें जलन हो, ये राग के विकल्प की जलन बर्दाश्त नहीं होती, तब वो निराकुलता ऐसी अनुभूति वो आनंद तक पहुंचना होगा और अवश्य पहुंचेंगे, मैं भावना पाता हूं आज ही।